हथरी कुंड में यमुना का रंग नीला। यमुनानगर में आकर यमुना का रंग मैला। करनाल में यमुना का पानी काला। तो पानीपत पहुंचकर यमुना का पानी जहरीला। यमुना के पानी को किसने किया विषैला? कौन है यमुना का गुनहगार? कब संजीदा होगी यमुना पर सरकार? यमुना तेरे कितने गुनहगार? जी हां, यमुना आज मैली हो चुकी है। इसका पानी इतना जहरीला हो चुका है कि लोग नहाना तो दूर, इसके पानी में हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कभी निर्मल धारा की तरह बहने वाली यमुना आज इतनी जहरीली कैसे हो गई है? आज इसके पानी से लोगों को गंभीर बीमारियां क्यों लग रही हैं? कभी जीवनदायिनी मानी जाने वाली ये यमुना आज लोगों की जान क्यों ले रही है? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी बात की पड़ताल करेंगे। यमुना नदी की सफाई पर अब तक सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा चुके हैं, लेकिन यमुना की तस्वीर आज तक थोड़ी भी नहीं बदली है। आखिर क्या वजह है कि यमुना पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी यह आज भी काली की काली रह गई? यमुना एक नदी, एक संस्कृति, एक धारा। यमुना सदियों से महानता को समेटे पर्वत से सागर तक का सफर अविरल तय करती है। हिमालय की गोद से यमुना जब धरातल की ओर उतरती है तो दूध सरीखी सफेद धार दिखाई पड़ती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड को पार करती हुई यमुना जब हरियाणा और यूपी की सीमा पर हथनी कुंड बैराज में समाती है तो वहां पर अंबर सी नीली दिखाई पड़ती है। यमुना महान नदी होने के साथ साथ हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है, लेकिन यमुना इन दिनों दम तोड़ती जा रही है। प्रदूषण यमुना का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। यमुना को बचाने के लिए अब तक हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और कई आंदोलन उठे, लेकिन पानी के रेत की तरह बैठ गए। आज हम करेंगे यमुना की यात्रा और देखेंगे कि आखिर किस किस ने किया है यमुना को मैला। हम इस समय उस जगह पर खड़े हैं जहां यमुनोत्री से 200 किलोमीटर का फासला तय कर यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। यहां यमुना का पानी बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ है, लेकिन जितना आगे बढ़ेंगे यमुना का प्रदूषण का स्तर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। आज हम बेनकाब करेंगे उन गुनहगारों को जिन्होंने यमुना नदी के जल को जहरीला किया है। ये यमुना जो जो आगे बढ़ती जाती है, इसमें बहाए जा रहे केमिकल और कचरा इसके रंग को पूरी तरह से बदल देता है। इस यमुना को बचाने के लिए अब तक कई बार आवाजें बुलंद की गईं, करोड़ों रुपए इसकी सफाई पर पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन आज तक इसका पानी साफ नहीं हो सका। यमुना को बचाने के लिए दिल्ली में आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन यमुना को बचाने के लिए यदि आंदोलन चलना है तो यमुना की जमीन से ही ये निर्णायक आंदोलन तय हो सकते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे हथनी कुंड बैराज है जहाँ यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। कितना निर्मल जल है, स्वच्छ जल है, और इस बैराज से इस जल को विभाजित करके सिंचाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है और कुछ पानी यमुना में डाला जाता है। यहाँ यमुना के पानी को इस लायक समझा जा सकता है कि इसको किसी तरह से ट्रीट करके पीने लायक भी समझा जा सकता है, लेकिन आगे चलकर जो इसमें केमिकल मिलते हैं शायद वो घातक बीमारियों को न्योता देने का एक उपक्रम साबित हो सकते हैं। पड़ताल करेंगे इस यमुना नदी के हथनी कुंड बैराज से हरियाणा के दूसरे छोर यानी पानीपत तक का दौरा कर इस नदी के बदलते रंग का आपको आंखों देखा हाल बताएंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये यमुना नदी यमुनानगर तक आते आते मैली दिखाई देती है, करनाल के आसपास आकर काली हो जाती है, और पानीपत में ये कैसे जहरीली हो जाती है।
मेरे पीछे पानी से लबालब हथनी कुंड बैराज है और इस ओर यमुना नदी है जो हरियाणा में प्रवेश करती है। आप देख सकते हैं कि यमुना नदी में इस जगह पर अंदाजन 3000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है जो यमुना के वेट के हिसाब से काफ़ी कम पानी है। लेकिन जब यमुना हरियाणा को पार कर दिल्ली की ओर NCR में प्रवेश करती है तो वहाँ यमुना नदी पानी से लबालब नजर आती है। आखिर वो पानी कहाँ से आता है और उस पानी का रंग कैसे बदरंग हो जाता है ये अपने आप अंदाजा लगाया जा सकता है। और आप मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि ये जो पानी है इतना निर्मल इस जगह पे है कि एक एक कंकड़ पत्थर को भी आसानी से पानी के नीचे देखा जा सकता है। लेकिन ये पानी कैसे अपना रंग बदलता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। फोकस हरियाणा की टीम ने हरियाणा की सीमा से लेकर पानीपत तक यमुना के साथ साथ यात्रा की। यमुना के तटों की दुर्गम यात्रा में हम ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंचे जहां शायद ही कभी शासन और प्रशासन की निगाहें गई होंगी। हमने यमुना के साथ लगते करीब 150 किलोमीटर का सफर तय किया। इस सफर की शुरुआत हुई हथनी कुंड बैराज से। हम हथनी कुंड पहुंचे तो यमुना का नीला पानी देखकर सुखद एहसास हुआ। उत्तराखंड की ओर से आ रहा ये अविरल पानी बैराज में जमा होता है और यहीं से होता है हरियाणा और यूपी को यमुना के जल का बंटवारा। यमुना के किनारे से होते हुए हमारी टीम का सफर शुरू हो चुका है। अपने सफर में हम सबसे पहले हरियाणा और यूपी सीमा के पास कलानौर पहुंचे। यहां पर आते ही हमने ये देखा कि यमुना मैली हो गई। इस समय हम यमुना नगर के कलानौर में पहुंच चुके हैं। ये पुल आप देख सकते हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला पुल है और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज से निकलने के बाद किस प्रकार से पानी में बदलाव आया है। आप खुद देख सकते हैं कि पानी बदरंग हो गया है। जो पानी वहाँ नीले रंग का था वो अब मैला हो चला है। कहीं ना कहीं इसमें प्रदूषण घुलता जा रहा है। लगातार पानी कहीं न कहीं से इसमें आ रहा है। हमारे सहयोगी तिलक भारद्वाज हमारे साथ हैं जो लगातार यमुना के प्रदूषण पर पैनी निगाह रखते हैं, उनसे बात करेंगे। तिलक, कहां से ये पानी आ रहा है जिसने इस नीले पानी को पूरी तरह से बदरंग कर दिया है? और जिस प्रकार आपने देखा कि हथनी कुंड बैराज पे जो पानी बिल्कुल साफ था, यहाँ तक कि उसमें कंकर नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूपी की तरफ से जिस प्रकार कई फैक्ट्रियों का गंदा पानी है, चाहे वो शुगर मिल हो, ऐसी कई फैक्ट्रियाँ हैं जिनका सीधा पानी इसमें गिर रहा है। और हरियाणा की बात करें, हरियाणा के जितने भी देहात के इलाके हैं उनके भी नाले सीधे इसी यमुना में आते हैं और इससे जो वहाँ का पानी था पहले नीला था और धीरे धीरे पीला हो गया है। और मैं आपको बताऊँ कि जैसे जैसे यमुना आगे बढ़ती है इस यमुना का जो रंग है पहले से भी और मैला होता जाता है, केमिकल होता जाता है। पड़ताल करने पर पता चला कि सरसावा के मिलों का गंदा और केमिकल से मिला पानी यमुना में बिना किसी रोक टोक के बहाया जा रहा है जिससे यमुना मैली हो रही है। इन्हीं केमिकल्स के कारण कई बार यमुना में मछलियों के मरने की खबर भी आती रही। एक तो बीड़ी मिल पड़ता है, इससे आता है, और एक ये दौलतपुर मिल पड़ता है, इनका गंदा काला पानी आता है बहुत ज्यादा जिससे मछलियाँ भी मरती है और वैसे भी जो खेत में और काम करने वाले आदमी है जो पानी पूनी पीते हैं उन्हें बहुत नुकसान होता है। देखो कि उधर से पीछे से पानी भी आता है और वैसे बीच में पानी साफ आता था, अब गंदा पानी आने लग गया और मच्छर भी मरने लग गई है। तो देखो इधर सरकार करेगी या लो आप लोग करोगे। गंदा पानी कहाँ से आता है? अब देखो या तो मिल से आता है या फिर ऊपर से आता है, जाग भी आते है, गंदा पानी आता है एकदम यहाँ पे पूरा का पूरा। यमुना नदी के ही तट पर सिने जगत तारिका नरगिस की समाधि बनी हुई है। मेरे पीछे यमुना है और हम इस समय कलानौर में हैं। यहाँ पे नरगिस की समाधि है। अपने दर्शकों को हम बताते चलें, लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सीने तारिका नरगिस यही यमुना की ठंडी रेत में चिर निद्रा में लीन हैं। कलानौर में यमुना की पड़ताल करने के बाद हम इसी तरह अपने सफर में और आगे बढ़े, लेकिन हमें आगे जो नजारा मिला वो चौंकाने वाला था। फोकस हरियाणा के लिए राजेश चौहान की रिपोर्ट। तो यमुना की पड़ताल के दौरान हम अपने सफर में कलानौर से आगे बढ़े, लेकिन हमारे जहन में एक ही सवाल कौंध रहा था कि आखिर फैक्ट्री का गंदा पानी कहां पर यमुना को विषैला कर रहा है। यमुनानगर की फैक्ट्रियों का पानी आखिर कहां जा रहा है, ये सवाल हमें बार बार बेचैन करता जा रहा था। यही बेचैनी हमें पश्चिमी यमुना नहर के पास से होकर एक नाले तक ले गई।
ये नाला यमुनानगर के फैक्ट्रियों के काले पानी को अपने साथ बहाते बहाते करनाल जिले में प्रवेश कर गया और हम भी साथ साथ पहुंच गए करनाल जिले के इस कलरी जागीर गांव में। इस समय हम यमुनानगर और करनाल की सीमा पर कलरी जागीर गांव में हैं और आप देख सकते हैं कि यमुनानगर से गंदे पानी का कारखाने और फैक्ट्रियों का पानी एक नाले के रूप में बहकर यहां से निकलता है, यमुनानगर से करनाल की सीमा में प्रवेश करता है और ये पानी इतना खतरनाक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से बिल्कुल काले रंग का पानी है, स्याह काला पानी है और इसमें केमिकल की मौजूदगी इस बात को दर्शाती है कि यहाँ जो वनस्पति आसपास इस नाले के किनारों पर है वो पूरी तरह से सूख चुकी है और ज़मीन को भी इस पानी ने काला कर दिया है, बेहद काला, तारकोल के मानिंद दिखने वाला ये पानी अपने आप में खतरनाक साबित हो सकता है और ये पानी आगे चल करके यमुना नदी में मिल जाता है और यहाँ भी कमोबेश इस पानी में इतनी दुर्गंध है कि यहाँ ज्यादा देर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। नाले के अंदर के इस काले पानी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये केमिकल से मिला हुआ कितना खतरनाक पानी है। हम इसका पीछा करते करते यमुनानगर से 50 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर टापू गांव में पहुंच चुके हैं। यहां आते आते ये नाला नहर की शक्ल ले चुका था। यहां के लोगों के लिए ये यमुनानगर का काला पानी किसी अभिशाप से कम नहीं है। प्रदूषण फैला रहा है, यमुना में जाके मिलता है, उससे बीमारियां, कैंसर वगैरह कुछ भी, कई बीमारियां, जानवरों के लिए भी नुकसान है, आदमियों के लिए भी नुकसान है, सारी चीज़ों का ही है। कुल मिला के इसको, इसके ऊपर रुकावट होनी चाहिए। ऐसा जिस पानी का बहुत नुकसान है, गंदा पानी है और ये पानी यमुना में जा रहा, सड़ैंद बहुत मारती है इसमें। नाले के ये दूषित पानी जमीन के अंदर पानी में मिलकर पंप के जरिए अब लोगों के घरों में पहुंचने लगा है, जिसके चलते इस छोटे से गांव में कैंसर और कई दूसरी तरह के लोगों में एलर्जी शुरू हो गई है। नगर से पानी आ रहा है गंदा और जमुना में गिर रहा है चिक्कड़ पर को जाता हुआ, और सरकार से गुजारिश है कि इसे बंद करवा दिया जाए, वो ये जमुना को भी गंदा कर रहा है, सारी फसलों में नुकसान कर रहा, कोई चीज नहीं होने देता, सारी चीजें बीमारी फैल रही इस काले पानी तक, सारे सब फसलों में नुकसान हो रही, भी नहीं होने दे रहा, गेहूं तो ना जीरी होने देता ना गेहूं होने देता। आगे जाके जमुना में मिल रहा, इससे मतलब हमारे गांव में ज्यादा मतलब बीमारी हो रही, हर इसमें मामा जावा लिगड़ा तो हमारा तो टांगों की खाली बदल गई। ये जो गंदा पानी है ये हमारे जमुना के पानी को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है और इसकी वजह से हम अपने खेत में अगर काम भी करने आते हैं तो हमें गाँव से पानी लेकर आना पड़ता है और इतना बेकार पानी हो चुका है, ये हमारी फसलों को भी नुकसान दे रहा है और हम यहाँ काम करते हैं तो हम पानी भी नहीं पी सकते और इसी की वजह से सारे यमुना में अब जो भी दूर दूर से लोग यमुना को पवित्र मान के उसमें नहाने के लिए आते हैं वो भी अब इसमें नहा नहीं सकते क्योंकि पानी इतना दूषित हो चुका है इस यमुना का कि बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका है। लेकिन हम लगातार इस नाले का पीछा करते हुए आगे बढ़ते गए ये देखने के लिए कि आखिर कहाँ पर जाकर ये यमुना को विषाक्त बनाती है। यमुनानगर से गंदे पानी का केमिकल युक्त काले पानी का पीछा करते हुए लगातार 60 किलोमीटर का फासला तय कर हम पहुंचे हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर नबीपुर गांव के पास और हम आपको दिखाते हैं कि यही वो पॉइंट है जहां पर गंदे पानी का संगम होता है यमुना के साथ। ये आप देख सकते हैं इस काले पानी का एक बहाव जो है सीधा यमुना के बीच जा रहा है और यमुना के साथ इस गंदे पानी के नाले का यहाँ पे संगम हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा गुनाह जो कर रहे हैं फैक्ट्रियों के मालिक कर रहे हैं और प्रशासन की अनदेखी लगातार हो रही है और ये काला पानी इसी तरह से पवित्र यमुना के बीच समा रहा है और यहाँ से यमुना का पानी और काला होता चला जाता है। आगे सड़क खत्म हो चुकी थी, सिर्फ कच्ची पटरी थी जिस पर हम करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद जडोली गाँव पहुंचे। वहां से और करीब 2 किलोमीटर आगे पैदल चलकर जडोली और नबीपुर के बीच उस जगह पहुंचे जहां काले पानी की नहर का संगम यमुना के पानी में हो रहा है। यमुना नदी और गंदा नाला दोनों यमुनानगर से चलकर करीब 55 किलोमीटर दूर इसी जगह पर मिलते हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ये दुर्गंध वाला काले रंग का पानी एक अलग धारा में बह रहा है जो यमुना में किसी जहर से कम नहीं है। ये जो यमुना में हमारे
पवित्र नदी में जो गंदा पानी मिल रहा है और हमारे यहाँ पर आकर जो जमुना में मिलता है, इससे हमारा जो नुकसान होता है वो बहुत भारी नुकसान होता है। इसका जो पानी की शेम बनकर हमारे ट्यूबवेलों से निकलता है और वो हम अपनी फसलों को देते हैं, वो फसल भी बेकार होती है और इससे निकलने वाली जो तैयार होने वाली फसल है वो भी खाने में बहुत बेकार लगती है और उससे खाने में भी हमारी सेहत बिगड़ती है। यमुना किनारे पूजा करने आते कुछ लोग तो इसी गंदे नाले को यमुना नदी समझ बैठते हैं और इसी की पूजा कर वापस अपने घर चले जाते हैं। आप मेरे पीछे जो पानी का बहाव देख रहे हैं, इसको कतई आप यमुना समझने की भूल न करें, क्योंकि ये वो गंदा नाला है जिसमें फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी यहाँ पे आ रहा है। मैं आपको यमुना दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको यमुना दिखाएं। इस काले पानी के नाले जो यहाँ पे आकर के नदी की शक्ल ले चुका है, इसके बीच एक टापू है, टापू के दूसरी ओर यमुना नदी है जिसमें आपको साफ पानी दिखाई दे सकता है और इस ओर काला पानी है। दोनों का यहाँ पे एक संगम हो रहा है और ज्यादातर लोग जो आस्था के चलते हरियाणा की ओर से आते हैं, उनको यमुना के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाता, वो यमुना का जल नहीं ले पाते, उनको इसी काले और गंदे पानी से जल लेना पड़ता है और इसी में अपने पूजा कर्म पूरे करने पड़ते हैं। यमुना नदी में यमुनानगर के केमिकल वाले पानी के करनाल जिले में जहरीले संगम को देखने के बाद अब हम अपने सफर में आगे निकल गए, लेकिन आगे की तस्वीर इन तस्वीरों से कहीं और भयावह और डरावनी थी, जिसके बाद यह साफ हो गया कि इस यमुना नदी के साथ किसी भी मायने में न्याय नहीं हो रहा है। फोकस हरियाणा के लिए राजेश चौहान की रिपोर्ट। नदी की पड़ताल करते हुए हमने अपने इस सफर में औद्योगिक नगरी पानीपत की ओर रुख किया, लेकिन यहां का नजारा देखकर ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा इसी शहर ने यमुना को गंदा किया है। पानीपत एक ऐसा शहर जो औद्योगिक नगरी के नाम से मशहूर है। ये वही शहर है जो कंबल उद्योग के लिए खास तौर पर जाना जाता है, लेकिन यहाँ से निकलने वाला औद्योगिक कचरा सबसे ज्यादा यमुना में जहर घोल रहा है। यमुना के साथ यात्रा करते करते हम अब पहुँच गए हैं पानीपत। पानीपत को प्रदूषण का शहर भी कहा जाता है और अब हम इस समय पानीपत में खड़े हैं। ये पानीपत के नाले हैं। पानीपत के नाले बेहद खतरनाक है और उनमें बेहद जहरीला पानी है, केमिकल का पानी है, क्योंकि पानीपत में कपड़े का उद्योग है और बहुत बड़ा यहाँ पे कारखानों का एक समूह है और डाई उद्योग से निकलने वाला काला पानी, केमिकल का पानी बेहद खतरनाक है। और इस समय हम इस नाले के पास खड़े हैं। ऐसे कई नाले पानीपत में हैं। हम इन सब नालों की पड़ताल करेंगे कि आखिर इनका पानी यमुना की तरफ किस तरह से बढ़ता है और कैसे यमुना को प्रदूषित करता है। दरअसल तरक्की की दौड़ शहरों की तासीर को खुदगर्ज बना देती है और यही खुदगर्जी जिंदगी की बुनियादी शर्तों को बेरहमी से कुचलने लगती है। पानीपत की आबो हवा में फैला धुआं और जमीन पर बहता काला पानी इसका सबूत है। यमुना में पानीपत के प्रदूषण को आंकने के लिए पहले शहर का जायजा लाजमी था, लिहाजा हम पहले पानीपत शहर पहुंचे और यहाँ के नालों को देखकर आंखें खुली की खुली रह गईं। ड्रेन नंबर एक में डाई हाउस का काला पानी नाक सिकोड़ने को मजबूर कर रहा था। हमने ड्रेन नंबर एक और ड्रेन नंबर दो का पीछा करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे मच्छर बहुत हो रहे हैं जी, और इतने मच्छर हो रहे हैं, जो मच्छर काटते हैं वो बीमारी पैदा करते हैं। कहाँ से आता है पानी? जी ये पीछे से आता है जी, ये तो मालूम। ड्रेन नंबर एक का पीछा करते हुए हम पानीपत के बाहरी इलाके की ओर बढ़े। रास्ते में एक डाई हाउस दिखा जिसमें अंडरग्राउंड पाइप के जरिए नाले में पानी छोड़ा गया था। ये चालबाजी पानीपत में आम है। रास्ते में ट्रीटमेंट प्लांट दिखाई दिया जिसे जापान बैंक की मदद से स्थापित किया गया है, लेकिन यहाँ पर पहुंचकर तो हम चौंकी गए। ट्रीटमेंट प्लांट बेहद काला पानी उगल रहा था। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन इसके बावजूद पानी की शक्ल देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे यह तारकोल का कोई नाला बह रहा है। बेहद काले रंग का ये सड़ा हुआ पानी दुर्गंध फैलाते हुए लगातार यमुना की ओर बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ से पता चला कि अब यह दोनों नाले मिलकर हरियाणा और यूपी की सीमा पर खोजकीपुर गांव में जाकर यमुना के मैले आंचल को जहरीला करते हैं। हम सुदूर खोजकीपुर की खोज में निकल पड़े। पूछते पाछते हम संजोली गांव पहुंचे और आगे खोजकीपुर तक का रास्ता पैदल तय किया। करीब 2 किलोमीटर पैदल रास्ता तय कर हम उस जगह पर आखिरकार पहुंची गए। गंदे नाले में से हमने
ये पानी भरा है एक बोतल में, जो पारदर्शी एक बोतल है, ये देखने के लिए कि आखिर इस पानी का रंग जितना काला दिखाई देता है कि वास्तव में ये उतना काला है कि नहीं। इस बोतल में आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन वैभव से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि इस पानी के अंदर कितने ही कण, काले काले कण दिखाई दे रहे हैं जो धीरे धीरे नीचे बैठ रहे हैं। इससे साफ साबित होता है कि इस पानी के भीतर बहुत ही खतरनाक तत्व हैं जो स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए, जीवों के लिए खतरनाक हैं, और यहाँ तक कि जो यमुना की जैव विविधता है उसके लिए बेहद खतरनाक है। यमुना में असंख्य जीव हैं, मछलियाँ हैं, कछुए हैं और दूसरे बहुत से जलीय जीव हैं, उन सब के लिए ये पानी जहर साबित हो रहा है, और उसके बाद राजधानी क्षेत्र में जा करके ये पानी पूरे ही माहौल को दूषित कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री आश्वासन जरूर देते हैं कि इस पानी को गंगा की तरह साफ किया जाएगा, इसमें छोड़े जाने वाले औद्योगिक कचरे का पानी ट्रीट कर डाला जाएगा। यमुना के लिए पहले से ही देश के नागरिक गंगा जो हमारी सफाई का अभियान चल रहा है उसी के साथ जोड़ करके यमुना सफाई के अभियान को भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, और विशेष तौर पर जहां जहां से गंदगी यमुना में जाती है उन स्थानों के ऊपर सब जगह ट्रीटमेंट प्लान लगेंगे। दिल्ली में एक बड़ा ट्रीटमेंट प्लान लग चुका है, फरीदाबाद में लगने जा रहा है, ऐसे जिन स्थानों पर पानी अंदर जाता है वेस्ट वाटर उन स्थानों पर समझेगा ऐसे प्लान लगेंगे। अब देखना यह है कि यमुना की सूरत कब बदलती है, या फिर ऐसे ही यमुना नाले का रूप धारण कर बहती रहने को मजबूर होती रहेगी और इसका पानी लोगों के लिए अभिशाप साबित होता रहेगा। यमुना के गुनहगारों की खोज में हमने हथनीकुंड बैराज से यात्रा शुरू की थी और हम यमुना के गुनहगारों को लगातार बेनकाब करते हुए खोजकीपुर में पहुंच गए हैं। हम तो खोजकीपुर आ गए हैं, लेकिन सरकारों की खोज शायद कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि सरकारों की खोज फाइलों में शुरू होती है और ट्रीटमेंट प्लांट पर आकर दम तोड़ जाती है। अभी तक यमुना को साफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यमुना बदस्तूर प्रदूषित होती जा रही है। द्वापर में तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया मर्दन कर यमुना की सफाई कर दी थी, लेकिन कलयुग में कौन भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाएगा और कब ये अवतार इस धरती पर यमुना को साफ करने के लिए आएगा, ये अपने आप में एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। यमुना के तट से कैमरामैन वैभव के साथ राजेश चौहान, फोकस हरियाणा।